नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई यूएई दुबई से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, वर्ल्ड में मुझे नहीं लगता इससे पहले कोई किसी कंट्री ने शुरुआत करी है फ्लाइट से रिलेटेड। जी हाँ, दुबई यूएई सरकार ने सबसे पहले पहल करते हुए इंटरनेशनल फ्लाइटें सबसे पहले चालू करी और अभी तो पूरा एकदम सिस्टम यूएई में ओके है। कोरोना भी ख़त्म हो चुका है, 1-2% बचा है जो इस महीने में जुलाई एंड तक मुझे एकदम साफ हो जाएगा। तो अभी यूएई सरकार ने कुछ कंडीशन रखी हैं, अगर आप इंडिया से दूसरी कंट्री से यूएई जाते हैं तो वहाँ पे 7 स्टेट हैं, आपको पता है, उसमें दुबई एक अलग इम्पोर्टेंट भाग जिनको मान सकते हैं स्टेट। और मैं बता दूं, 80% जो वर्कर हैं, जो ब्लू कॉलर जॉब वाले हैं, हमारे राजस्थान में देख लीजिए, इंडिया में मान लीजिए, यूएई को दुबई के नाम से जानते हैं, यूएई को कोई नहीं जानता। यूएई देश का नाम है लेकिन दुबई स्टेट का नाम है, लेकिन स्टेट ज़्यादा प्रचलित है यूएई की बजाय, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे अब लगभग जितनी भी पॉपुलेशन है, लगभग 200 कंट्रियों के लोग बोलते हैं कि यूएई में दुबई में रहते हैं, लेकिन वो यूएई में नहीं रहते, वो दुबई में रहते हैं। दुबई में 85% लोग बाहर के हैं, 15% लोग लोकल हैं। तो वहाँ के कानून भी फिर सरकार को अलग रखने पड़ते हैं क्योंकि उनकी मजबूरी हो जाती है। टूरिस्ट सबसे ज़्यादा यूएई में जाते हैं, जैसे हमारे इंडिया में जैसे गोवा में जाते हैं, ठीक है। तो गोवा के फिर सैलानियों के लिए अलग से नियम बनाने पड़ेंगे, अगर वो उन तरह से स्ट्रिक बना दिए तो फिर वहाँ पर तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि दुबई तो एक टूरिज्म पर्यटन है मान सकते हैं। अगर आप इंडिया से जाते हैं तो आपको पता सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या है, आपके पास COVID-19 की नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए 48 आवर्स की, आपको पता ही है सबको, इंडिया से आप जाओगे तो आपके पास होनी चाहिए। दूसरी बात, जैसे आप जाते हैं, जैसे आप मान लीजिए दुबई में जा रहे हैं, आप और कंट्री की अलग बात करें, 7 स्टेट हैं जिसमें आप दुबई जा रहे हैं, तो दुबई में आपको करना क्या है कि आपको क्वारंटाइन नहीं रखेंगे 14 दिन के लिए। जी हाँ, आपको, आप जाओगे, आपका एयरपोर्ट पे आपकी आपका जांच होगी COVID-19 की, उसकी रिपोर्ट आपके नेगेटिव पॉजिटिव आने के बाद आपके मोबाइल पे मैसेज द्वारा, जो भी इन्फॉर्मेशन है मेल द्वारा आपके पास पहुंचेगी। उसके बाद आप दुबई में कहीं पर भी घूम फिर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। उसके अलावा जैसे स्टेट हैं, जैसे आबू धाबी हो गया, शारजा हो गया, रास अल खैमा हो गया, और भी 3-4 स्टेट हैं, वहाँ पर अगर आप जाओगे इंडिया से, पाकिस्तान नेपाल से, तो वहाँ के नियम अलग हैं। जी हाँ साथियों, वहाँ पर आप जाओगे तो इंडिया से तो आपको COVID-19 नेगेटिव की रिपोर्ट साथ में लेके जाना ही जाना है, नो डाउट। उसके बाद में वहाँ पर जाने के बाद आपकी दोबारा से जाँच होगी, COVID-19 की दोबारा जाँच होगी। उसमें कंडीशन ये रखी गई है, चाहे आप की जाँच नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, 14 दिन के लिए आपको क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। जी हाँ, आप चाहे होम आइसोलेशन रहो चाहे आप होटल में रहो, वो आपकी मर्जी है, खर्चा पूरा आपका लगेगा। हालांकि जांच सरकार की तरफ से फ्री है, जांच का पैसा नहीं लगेगा, लेकिन रहने का खाने का खर्चा वो आपका लगेगा। उस दौरान अगर आपने क्वारंटाइन के नियमों को तोड़ने की कोशिश की, 50,000 दुबई दराम आपका फाइन लगेगा। इंडिया का सीधा सीधा 10-1 लाख रुपये बनता है, कुछ ज़्यादा नहीं है, फाइन बहुत कम है भाई, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना, हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है, तो गलती मत करना। सरकार की तरफ से साफ स्ट्रिक ये आदेश दिया गया है, दुबई को छोड़ के जितने भी स्टेट हैं वहाँ पे 14 दिन आपको क्वारंटाइन रहना ही रहना पड़ेगा, चाहे आपकी रिपोर्ट नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है। कोई आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई कि भाई कोई आपके कोरोना नहीं है, फिर भी 14 दिन रहना पड़ेगा। दुबई में आप एयरपोर्ट से जाओगे, आपकी जांच होगी, रिपोर्ट आने के बाद, रिपोर्ट शायद दूसरे दिन मिल जाती है दुबई में, तो आप अपना काम कर सकते हैं, वहाँ पर घूम फिर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब आप लोग बोल देते हैं सर ऐसा क्यों, तो भाई दुबई का मैंने पहले बता दिया, वो टूरिज्म है, वहाँ पर लोग घूमने के लिए जाते हैं, समझ गए, तो उसका नियम अलग रहेगा, इनका नियम अलग रहेगा। तो आप समझ गए होंगे मेरी बात को, अगर क्वारंटाइन नियम तोड़ने की कोशिश की तो सीधा सीधा 50,000 दुबई दराम फाइन है, 14 दिन आपको क्वारंटाइन रहना पड़ेगा इन राज्यों में, चाहे आपके COVID-19 पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कोई इश्यू नहीं रहे। तो मेरे हिसाब से साथियों आपको समझ में आ गई होगी मेरी बातें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें, ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।